हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुछ मामले को छोड़कर एलजी को अब दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करना होगा, लेकिन अब केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला पलट दिया है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के अधिकारों पर अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा, जिसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। अब फिर से इस पूरे मामले पर किस तरह से घमासान मच चुका है, उसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले आप सभी देश नीति को सब्सक्राइब कर लें। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दिल्ली सरकार बनाम केंद्र की लड़ाई में नया मोड़ आ गया है। कुछ दिन पहले ही अधिकारों की लड़ाई में दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत मिली थी, लेकिन अब उसी फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने एक नया अध्यादेश जारी किया है। यह अध्यादेश केजरीवाल सरकार के लिए ही जारी किया गया है। इस अध्यादेश में साफ लिखा है, अधिकारियों की पोस्टिंग ट्रांसफर पर असली बॉस एलजी ही रहने वाले हैं। असल में कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनी हुई सरकार के पास अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफर की ताकत रहनी चाहिए, इससे चुनी हुई सरकार जवाबदेह बनती है और अधिकारियों की भी जवाबदेही तय हो पाती है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है, उसके मुताबिक दिल्ली सरकार अधिकारियों की पोस्टिंग पर फैसला जरूर ले सकती है, लेकिन अंतिम मुहर एलजी को ही लगानी होगी। इस पूरे मामले पर अब जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी का कहना है, केजरीवाल सरकार अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही थी, उसकी तरफ से मनमौजी तरीके से अधिकारियों की पोस्टिंग हो रही थी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इसे फिर से केंद्र का एक गलत फैसला बता दिया है। जोर देकर कहा जा रहा है, केंद्र अब सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान नहीं कर रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अपनी हार से केंद्र बौखला गई है, उसने संविधान के साथ बड़ा छल किया है। सरल शब्दों में बात करें तो केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है, उसके जरिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन होगा। ये प्राधिकरण ही बहुमत से फैसला करेगा कब किस अधिकारी का ट्रांसफर करना है। इस प्राधिकरण में 3 सदस्यों को रखा जाएगा, इसमें सीएम, मुख्य सचिव और प्रधान सचिव गृह होंगे, लेकिन जो भी फैसला होना होगा वो बहुमत के आधार पर ही लिया जाएगा, यानी कि केजरीवाल सरकार के पास पूरी ताकत नहीं रहने वाली है। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तब सीएम केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था, हम डीवाई चंद्रचूड़ और बाकी सभी जज को इस फैसले के लिए शुक्रिया कहते हैं। मैं तो दिल्ली की जनता को भी बधाई देना चाहता हूं। आज के फैसले के बाद और ज़्यादा काम किया जाएगा और सरकार की जवाबदेही बनेगी। अब देखा जाए तो देर से ही सही, लेकिन न्याय केजरीवाल सरकार को मिला जरूर था। केजरीवाल जी कई सालों से कह रहे हैं, हमारी सरकार का मतलब क्या है, केंद्र सरकार ने जो एलजी बैठा रखे हैं हर बात में अड़ंगा लगा देते हैं, कोई काम करने नहीं देते। तो जाकर सुप्रीम कोर्ट ने न्याय कर दिया कि कुछ मामलों को छोड़कर एलजी को दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करना होगा, लेकिन अब केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला पलट दिया है। सालों से केजरीवाल ने अक्सर एक शिकायत की है कि वो एक चपरासी भी नियुक्त नहीं कर सके या किसी अधिकारी का स्थानांतरण नहीं कर सके। उन्होंने कहा था, नौकरशाहों ने उनकी सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया क्योंकि उनका नियंत्रक प्राधिकारी गृह मंत्रालय था। जो एलजी बैठा रखे हैं, उनके इशारे पर तमाम अफसर दिल्ली सरकार की फाइलों को अटकाने के सिवाय कुछ नहीं करते। आखिर हम करें तो करें क्या, किस तरह जनता से किए हुए वादों को पूरा करें और किस तरह लोगों के हितों की योजनाओं को लागू करें। इन सबके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के हक में बड़ा फैसला सुनाया था, लेकिन मोदी सरकार इसको मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और अब केंद्र सरकार और दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच टकराव का नया दौर शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने अध्यादेश का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कथित तौर पर नकारने का प्रयास किया है। ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचेगा और फिर से हंगामा मचना तो तय है। वैसे आपको क्या लगता है, केंद्र सरकार ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा है, क्या वो सही है? इस पूरे मामले पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच मचे इस खींचतान पर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बेबाकी से सच्ची और पक्की खबरों को पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।